जेंटलमैन, वेलकम बैक फॉर द सेकंड सेशन फॉर टुडे ट्रेनिंग नंबर 7 फॉर ओशा जेन इंडस्ट्री। हम बात कर रहे हैं अर्गोनॉमिक्स की और उसमें जो डेवलप होती है एमएसडीज, उनकी रोकथाम, उनकी सेफ्टी, उनको कैसे अवॉइड करना है, तो उस बारे में हम इंफॉर्मेशन जो है एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। सो अवॉइडिंग ऑकवर्ड पोस्चर, व्हाट डज दिस मीन? कि मतलब ये एक कंट्रोल मेजर्स में आपका आता है कि प्रिवेंटिंग ट्विस्टिंग, एक्सेसिव बेंडिंग, ओवरहेड रीचिंग, एडजस्टिंग वर्कस्टेशन एंड टूल्स, दीज आर द स्मॉल थिंग्स। मतलब ये आम रूटीन में रेगुलर बेसिस पे आपकी वर्क स्टेशन के ऊपर ये चीजें हो रही होती हैं, लेकिन आपको इस चीज का एहसास नहीं होता। एहसास तब होता है जब मसल जो आप दे जाते हैं उसमें कोई इंजरी हो जाती है, कोई आपका मसल फट जाता है खुदा नास्ता, और उसके बाद आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी के जो प्रोफेशनल होते हैं उनका बेसिकली मकसद क्या है? मकसद के आप उस इंजरीज को होने से पहले रोकें, प्रिवेंशन करें उसका। तो तब कर सकते हैं ना जब आपको पता होगा कि ये क्या चीज होती है, किस तरह इसमें एमएसडी डेवलप होती है और किस तरह के पोस्चर्स होते हैं जो ऑकवर्ड हो सकते हैं, जिनको हम कंट्रोल करना चाहिए हमें। ठीक है जी। स्टैटिक पोस्चर जो है इटसेल्फ, इसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, क्रिएट होती हैं, तो इसको अवॉइड करें, ब्रेक्स लें, चेंजिंग पोजीशन करें फ्रिक्वेंटली, ताकि स्टैटिक पोस्चर को आप अवॉइड कर सकें। ठीक है ना। और लिफ्टिंग में भी एहतियात करने की जरूरत है एमएसडीज को, उसकी सेफ्टी के लिए। लिफ्टिंग जो भी आप करते हैं उसके लिए भी सेफ्टी मेजर्स लेने की जरूरत होती है कि लोड्स को अपने बॉडी के क्लोज रखें। ठीक है ना। गेट हेल्प फॉर हैवी लोड्स, अगर आप की कैपेसिटी नहीं है एक लोड को उठाने की तो खुद से ना उसको उठाएं, कमर में दर्द हो जाएगा। और मतलब वही मैंने जैसे आपको बताया ना कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है इसके अंदर डिस्क होती है, अगर वो स्लिप हो जाए तो वो बड़ी पेनफुल होती है। ठीक है ना। पुश इंस्टेड ऑफ पुल, ये नॉर्मल जो मतलब एक टेक्निक से आपकी लिफ्टिंग की, के बजाय आप चीज को पुश करें बजाय उसको पुल करने के, जितना आप जोर लगाएंगे ना खींचने के लिए चीज को उसमें ज्यादा जोर लगेगा आपको, जबकि आप पुश करेंगे तो कम फोर्स के साथ वो चीज अपनी जगह से मूव कर जाएगी। ठीक है ना। टूल सिलेक्शन भी अर्गोनॉमिक्स का बड़ा अहम रोल है इसका। ठीक है ना। और ये जो रिस्क असेसमेंट्स होती हैं उसमें मतलब टूल की जो सिलेक्शंस होती है, जहाँ पे वर्क साइट पे आप काम कर रहे होते हैं, आपके ग्राइंड, आपके ये जो हैंड एंड पावर टूल्स होते हैं, आपकी हथौड़ियाँ, आपकी ये जो ड्रिल मशीन्स होती हैं, आपके जो ब्लेड्स होते हैं और इस टाइप की बहुत सारी चीजें आप यूज कर रहे होते हैं, इनकी मतलब सिलेक्शन। ठीक है। ये कंपनियां क्या होती हैं, जो कंपनी की दूसरी मैनेजमेंट होगी एटम वाले, वो देखेंगे यार कम कॉस्ट का हो, फंक्शनैलिटी ज्यादा अच्छी हो, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, लेकिन जो हेल्थ सेफ्टी का पर्सन है वो उस एंगल से उसको देखेगा, कॉस्ट का भी देखेगा लेकिन उसका उसकी सेफ्टी के एंगल से भी उसको देखेगा कि यार ये इक्विपमेंट ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से हमारे किसी वर्कर की जो है वो हेल्थ या उसकी जो सेफ्टी है उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो। तो उनकी सिलेक्शन के ऊपर भी आपको फोकस करना चाहिए कि कोशिश करें कि जो अर्गोनॉमिक्स फ्रेंडली टूल्स हैं उनको यूज करें और लो फोर्स टूल्स जो है वो सिलेक्ट करें, जिनके अंदर प्रॉपर ग्रिप हो, हैंडल्स प्रॉपर हो, लेवरेज हो, उसके अंदर मतलब थोड़ा सा गैप हो कि अगर फर्ज करें वो स्लिप हो जाए आपके हाथ से तो वो एकदम जो है वो छूट के कहीं और ना जा गिरे हो, कहीं और ना जा लगे। तो लेवरेज मतलब है कि ये इस चीज को कहते हैं कि उनके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टूल्स के अंदर। रोल आपका बड़ा मतलब प्रोमिनेंट है इसमें अर्गोनॉमिक्स की सेफ्टी के लिए। बी अवेयर ऑफ द पोस्चर्स एंड मूवमेंट, रिपोर्ट सिम्टम्स अर्ली, मेक सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट्स, प्रैक्टिस सेफ हैबिट्स ऑन एंड ऑफ द जॉब। ठीक है ना। मतलब जब आपको इन चीजों का पता होगा तभी आप ये सारी चीजें कर सकते हैं ना। आप अगर पोस्चर्स का आपको पता है, आपको अर्गोनॉमिक्स का पता है, आपको एमएसडीज का पता है, और आपको पता है कि यार ये जो बैड पोस्चर्स होते हैं या ऑकवर्ड पोस्चर होते हैं इनकी वजह से एक डिवेलप करती है प्रॉब्लम्स, हम एमएसडीज कहते हैं, और उसकी वजह से मजीद इंजरीज हो सकती हैं, आपके मसल्स फट सकते हैं, आपके टेनन्स जो है या आपकी बाकी जो बोन्स हैं उनके ऊपर या नर्व्स के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, तो फिर आप इनकी अहमियत को भी समझेंगे और वर्कर्स को भी समझा सकेंगे। अब एक वर्कर को समझाना आसान काम नहीं होता,
ये आपका एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये काम है कि आप उसको समझाएं, उसको कन्विंस करें कि आपके इस ऑकवर्ड पोस्चर की वजह से ये प्रॉब्लम आपको डेवलप कर जाएगी जो लॉन्ग टर्म में आपको मसला करेगी। इसलिए आप उसके लिए कोई कंट्रोल मेजर सजेस्ट करें, ठीक है ना। उस वर्कर को वहां से अगर जरूरत है उसको खत्म करने की, उस प्रोसेस को जहां पे उसको ऑकवर्ड पोस्चर में खड़े रहना पड़ता है ज्यादा देर, तो उसको खत्म कर दें। अगर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट कर दें, अगर इलिमिनेट कर इंजीनियरिंग कंट्रोल के जरिए। मसलन एक बंदा जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप एक बंदा जो है वो अगर हाथ से कोई ऊपर से चीज उठा रहा है और उसको अपने पाँव भी उठाने पड़ते हैं तो ओवर रीच कर रहा है ना, ओवर एग्जर्शन है बेसिकली। लेकिन अगर आप उसके साथ एक स्टूल रख देंगे तो वो उसकी रीच वहां पे आसानी से हो जाएगी। तो ये कंट्रोल में, ये ना, इसको इंजीनियरिंग कंट्रोल भी आप सिंपल कह सकते हैं। और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर MSDs डेवलप हो रही है, कोई आपको सिम्टम आ रही है, सर दर्द हो रहा है बार बार, मसल में पेन हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, टांगे दर्द करती हैं, तो आप इनकी सिम्टम्स को रिपोर्ट करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मेडिकल सेटअप है या अपने हेल्थ एंड सेफ्टी जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको इसकी रिपोर्ट करें। और वो उसको अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको पता चल जाता है कि यार ये बंदे को ये मसला है तो इसकी इसकी मैंने पहले असेसमेंट करूं इसकी वर्क एक्टिविटी की जाके, कि ये जिस जगह खड़ा होता है, जिस जगह पे ये अगर बैठता है या उसकी मतलब सिटिंग किस किस्म की है, इसमें कोई इस तरह का मसला तो नहीं है जो अर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसको हल करना फिर आपका रोल होता है इसमें। इम्प्रूवमेंट के लिए आप अपनी मैनेजमेंट को सजेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि टूल सिलेक्शन है, आप बता सकते हैं कि सर ये टूल सिलेक्शन जो हमने की है ये हमें हमारे वर्कर्स को प्रॉब्लम कर रही है, उनको सिम्टम्स आ रही हैं, ये अर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड उनके हेल्थ को इश्यूज आ रहे हैं, तो इसको देखिए। यूरोप में तो ये होता है, वेस्ट में, यूरोप में तो ये चीज फॉर श्योर होती है, वहां पे तो इसके बगैर काम नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप अपने माहौल को देखें तो यहाँ पे वाकई वायलेशन होती है, इतना नहीं होता, लेकिन हमें, हम जो कि एक इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन ले रहे हैं तो हमें उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेफ हैबिट्स ऑन एंड ऑफ द जॉब, ये भी जरूरी है कि सेफ हैबिट्स को अपनाएं आप, ठीक है जी। इस तरह इससे आगे हम चले तो हम प्रोसेस सेफ्टी की बात कर लेते हैं, इसको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। आज के इस सेशन में हम इसको मुकम्मल कर लेते हैं ताकि फिर लास्ट सेक्शन जो है, सेशन हमारा जो है, उस पर आप कुछ अपनी रिव्यू कर लेंगे, कुछ गपशप कर लेंगे और अपनी प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स की ब्रीफिंग भी इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है जी। तो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट क्या है जी? यस, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट इज बेसिकली आपकी जो एक कंप्लीट प्रोसेस फंक्शन कर रहा होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको उसकी मतलब इंटीग्रेटेड उन एलिमेंट्स को हम उसको उन मतलब उनको एक इंटीग्रेटेड तरीके से अगर हम सेफ्टी इंश्योर करें तो उसको हम प्रोसेस सेफ्टी कहते हैं, ठीक है ना। मसलन आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मसलन आपका जो है वो मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है, मसलन आपका स्टोरेज का डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। और इस तरह के बाकी जो डिपार्टमेंट है, जब आप उनको इंटीग्रेट कर लेते हैं इन्हें कोहेसिव वन शेप, ठीक है ना, तो इस पूरा आपका जो प्रोडक्ट को तैयार करने का प्रोसेस है जिसमें वो स्टेप्स हैं, मतलब एक जगह पे रॉ मटेरियल आपका रिसीव हो रहा है, मतलब कोई भी चीज आप बना रहे हैं आपकी फैक्ट्री के अंदर तैयार हो रही है, जूते बन रहे हैं मिसाल के तौर पे, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बन रही है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, गाड़ियां बन रही है, कोई भी चीज आप बना रहे हैं मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। अब जब वो आपके जो प्लांट है जब उसकी रिसीविंग होती है रॉ मटेरियल, देखिए कोई भी प्रोडक्ट जो है सबसे पहले उसका रॉ मटेरियल रिसीव होता है आपको, उसके बाद आप फिर अगले प्रोसेस में उसको डालते हैं कि जिसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर भी आप देखें मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, पहले एक मशीन से मटेरियल गुजरता है फिर दूसरी से गुजरता है, कई दफा इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होते हैं कि वो उसको असेंबली लाइन के अंदर, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर काफी सारे स्टेप से गुजर के फाइनल शेप में वो प्रोडक्ट तैयार होकर आपके सामने आती है। मिसाल के तौर पे आप मोबाइल फोन ले लें, मोबाइल फोन जो है वो एकदम तो ऐसे तैयार नहीं हो जाता ना, गाड़ी ले लें आप, इवन एयरप्लेन, जहाज जो होते हैं वो भी एक प्रोडक्ट है, वो भी बेसिकली एक आइटम है जो कि मुख्तलिफ चीजों को जोड़ के बनाई जाती है, उसमें मशीनरी है, उसमें प्लास्टिक, बस बेसिक सभी चीजों का उसमें इस्तेमाल होता है। तो वो
इन सारी चीजों को जब आप एक जगह पे कंबाइन करके फाइनल शेप में प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो इस सारे प्रोसेस को हम प्रोसेस कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस की सेफ्टी को हम प्रोसेस सेफ्टी कहते हैं। इसके मेन जो प्रोसेस सेफ्टी के 14 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जो आपके सामने आपको नजर भी आ रहा होगा, ठीक है जी। जैसे ये मतलब आपके ट्रेनिंग, आपके लिए प्रोसेस सेफ्टी की जरूरत होती है, कॉन्ट्रैक्टर्स की ट्रेनिंग जरूरत होती है, आपकी मैकेनिकल इंटेग्रिटी की होती है, इंफॉर्मेशन आप अगर आप स्टार्ट से ले लें, आगे देखता हूँ मैं इसके एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। अच्छा नहीं, पहले इन एलिमेंट्स को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, कि ये जो 14 एलिमेंट्स हैं एक प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का पार्ट होता है। जिस तरह हमारी जन नॉर्मल सेफ्टी मैनेजमेंट होती है ना, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, जैसे रिस्क असेसमेंट है, उसमें भी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें ऑडिटिंग भी होती है, उसमें आप जॉब सेफ्टी एनालिसिस भी करते हैं, उसमें अर्गोनॉमिक्स के असेसमेंट भी करते हैं, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी के हैजर्ड्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं, आप और बहुत सारी चीजें, टूल बॉक्स टॉक्स है आपका, मतलब है कि डेली ब्रीफिंग्स है सेफ्टी की, और जो आपका इक्विपमेंट होता है उससे रिलेटेड आप चीजें देखते हैं। इसी तरह जो प्रोसेस सेफ्टी है, इसका एक स्पेसिफिक जो है वो फ्रेमवर्क होता है, जिसको हम कहते हैं सबसे पहले प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको प्रोसेस सेफ्टी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सेकंड स्टेप इसका क्या होता है, हैजर्ड्स को एनालाइज करना। जैसे कि अब मैंने आपको बताया था, आप रिस्क असेसमेंट करते हैं, ये जॉब सेफ्टी नॉर्मल हालात में करते हैं, ये बेसिकली वही चीज है, लेकिन रिस्क असेसमेंट एक नॉर्मल इंडस्ट्री के अंदर भी हो रही होती है, लेकिन अगर वो एक कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री है और वहां पे पीएसएम यानी प्रोसेस सेफ्टी का फंक्शन काम कर रहा है, तो फिर वो उसको प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस कहेंगे, कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है, मतलब मशीनें काम कर रही हैं, अब उसके अंदर जो हैजर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने का नाम प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं, कि आपका जो भी प्रोसेस काम कर रहा होता है, जो भी फंक्शन काम कर रहा होता है, उसमें मसलन एक मशीन है वो पंचिंग कर रही है, ठीक है ना। अब ये पंचिंग जो है वो एक पूरा ऑपरेशन है, उस मशीन का ऑपरेशन है ना कंप्लीट। अब वो पंचिंग सिर्फ एक कहने को तो एक चीज है, लेकिन वो जाहिर है मशीन चलती है, कोई उसके अंदर करंट जाती है, फिर उसके बाद उसका प्रोसेस होता है, उसके ऊपर प्रोडक्ट कुछ रॉ मटेरियल रखा जाता है जिसको प्रेस करता है, तो वो पंच हो जाती है, मतलब दिस इज ए कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, तो उस पंचिंग मशीन का ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए, ये प्रोसेस सेफ्टी कहती है। इम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, जब आप मतलब है कि अपनी प्रोसेस सेफ्टी को इंश्योर कर रहे होते हैं, तो आपके वर्कर्स इंप्लॉयज को जिस तरह नॉर्मल सेफ्टी में आप वर्कर्स की पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट की कमिटमेंट के साथ हमने पढ़ी थी कि बहुत जरूरी है, इसी तरह इम्प्लॉय पार्टिसिपेशन प्रोसेस सेफ्टी के अंदर भी उसी तरह जरूरी है। ट्रेनिंग नॉर्मल सेफ्टी में भी होती है, प्रोसेस सेफ्टी में भी होती है, मतलब इस प्रोसेस सेफ्टी के अंदर जो प्रोसेस से रिलेटेड आपकी रिस्क हैं, हैजर्ड्स हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस किया जाता है या उनकी अवेयरनेस दी जाती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर ट्रेनिंग, क्योंकि आपका जब एक प्रोडक्शन एक पूरा इंटीग्रेटेड प्रोसेस चल रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, आपके कॉन्ट्रैक्टर भी काम कर रहे हैं, तो फिर उनको ट्रेन करना भी जरूरी है, ठीक है ना। प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यूज, प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यूज, आपने प्लांट है अपना स्टार्ट करना है, ठीक है ना, प्लांट स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, कोई भी आपने फंक्शन स्टार्ट करना है, अपनी प्रोडक्शन असेंबली को स्टार्ट करना है, अपने कोई और जो है वो अपनी ट्रांसपोर्ट है आपकी पास, उसको स्टार्ट करना है आपने, तो जो भी असेंबली या प्रोसेस आपने स्टार्ट करना है उसकी बिफोर स्टार्टअप जो है वो इंस्पेक्शन, ये एक एलिमेंट है प्रोसेस सेफ्टी का। मैकेनिकल इंटेग्रिटी क्या आती है जी, आपका जितना भी इक्विपमेंट होता है, जितने भी टूल्स होते हैं, जितनी भी मशीन्स होती हैं, उनका जो इक्विपमेंट होता है वो कितना, उनकी इंटेग्रिटी कितनी, मीन्स के उनके ऊपर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। अब ये तो नहीं है कि आपने उसमें से एक करंट गुजारी, मिसाल के तौर पे एनर्जी दी आपने, वो टूट ही गया, मतलब ऐसा होता है ना, फ्लाई व्हील्स हैं टूट जाते हैं वो इसलिए, या रॉड टूट जाते हैं, या ब्लेड टूट जाते हैं, या मशीन्स के और पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं, क्यों, क्योंकि इंटेग्रिटी नहीं होती उनकी, तो इंटेग्रिटी को इंश्योर करना प्रोसेस सेफ्टी का पार्ट है। ठीक है जी, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, जैसे हम नॉर्मल सेफ्टी में करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ चेंज ये प्रोसेस सेफ्टी का भी एक अहम एलिमेंट है। मैनेजमेंट ऑफ चेंज क्या होती है, इसका मैं कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, कि जब भी आप कोई मतलब है कि चेंज
प्रोसेस चेंज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो एक आम रूटीन से चेंज नहीं होती। मसलन अगर फर्ज करें कि आप के पास हैं पुराने कंप्यूटर्स, ठीक है ना, अब आपने लैपटॉप अपने स्टाफ को प्रोवाइड करने हैं, या एक मशीन है जो आउटडेटेड होगी, पुरानी हो गई, अब उसकी जगह पे कोई मॉडर्न मशीन आपने ला के रखनी है, तो वो जो जो प्रोसेस ऑफ चेंज है ना, वो ऐसे नहीं होगा कि आप वो मशीन एक जगह से उठाएंगे और दूसरी उसकी जगह पे ला के रख देंगे। नहीं भाई, ये जो सेफ्टी है वो कहती है कि ये आपकी जो चेंज का प्रोसेस है, ये एक पूरे मैनेजमेंट सिस्टम के तहत कंट्रोल होना चाहिए। मसलन सबसे पहले उस मशीन की जिसको आपने लाना है, उसकी ट्रेनिंग उस नए वर्कर को या उसी वर्कर को जिसने उसको रन करना है, उसके बाद उसकी सेफ्टी मेजर्स, क्योंकि उसका मैनुअल डिफरेंट हो सकता है, इसका जो पुरानी मशीन है इसका डिफरेंट, फिर वो कितने टाइम में आपने उसको रिप्लेस करना है, ठीक है ना, अगर रिप्लेस कौन सुपरवाइज करेगा उस रिप्लेसमेंट को, ठीक है, तो ये जो मैनेजमेंट ऑफ चेंज का प्रोसेस है, ये आपको वहां पे करना पड़ेगा। अगर आप देखें ना, बड़ी बड़ी चेंजेस हो रही होती हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, अब छोटी छोटी चेंजेस तो बाज का बहुत कम होती है, बड़ी चेंजेस तो मतलब है कि एक पूरे पूरा बाज का पूरा पूरा मतलब महीना लग जाता है उस चेंज को होते हुए, तो वो एक मैनेजमेंट ऑफ चेंज का जो सिस्टम होता है उसके तहत वो चेंज आपको लानी चाहिए। इमरजेंसी प्लानिंग एंड रिस्पॉन्स इस तरह नॉर्मल सेफ्टी में होता है, प्रोसेस सेफ्टी में भी ये उसी तरह का प्रोसीजर है, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन उसी तरह होती है, रिकॉर्ड कीपिंग भी प्रोसेस सेफ्टी की जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो भी जिस तरह नॉर्मल सेफ्टी में होती है इसमें भी होती है, ऑडिटिंग भी इसमें होती है, ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन मतलब इसमें ये भी फंक्शन है कि आप अपनी प्रोडक्शन का डिजाइन का उसकी मतलब उसके जो सीक्रेट्स होते हैं आप अपने उसको रिवील ना होने दें, उसको एक्सपोज ना होने दें कि अनऑथराइज बंदा उसको चोरी करके आपका डिजाइन जो है, ये भी सेफ्टी के अंदर ये चीज आती है, ठीक है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूरी है, और ये करने से लीडरशिप की कमिटमेंट शो होती है ताकि वो मोर इन्वॉल्व हो विद द वर्कर्स एंड देयर सेफ्टी। प्रोसेस सेफ्टी से बारे में थोड़ी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जैसे टाइप्स ऑफ प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन किस किस्म की हो सकती है, मतलब वहाँ पे जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है उनकी इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट जो यूज हो रहा है उनकी इंफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंस एंड एक्यूरेट PSI एग्जाम्पल, यूटिलाइजिंग प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजर्ड, अगर जितनी आपको वहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो फंक्शंस काम कर रहे होते हैं, एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है बहुत बड़ा, तो वो जाहिर है उसमें कोई एक केमिकल तो इस्तेमाल नहीं होता होगा ना, मल्टीपल केमिकल्स यूज होते होंगे, हर एक की अपनी सेफ्टी डेटा शीट होगी, हर एक का अपनी हैजर्ड प्रोफाइल होगी, हर एक के अंदर डिफरेंट किस्म के हैजर्ड्स होंगे, तो अगर उनकी इंफॉर्मेशन आपको है तो तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना उन हैजर्ड्स को, फिर आप जिसको हम प्रोसेस सेफ्टी हैजर्ड एनालिसिस कहते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर वो कोई टेक्नोलॉजी, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट यूज हो रहा है, टूल्स यूज हो रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन पहले, तो प्रोसेस सेफ्टी के अंदर इंफॉर्मेशन की बड़ी वैल्यू है। नॉर्मल जो सेफ्टी होती है उसमें जो प्रोसेसेस होते हैं ना उनको आप जल्दी अंडरस्टैंड कर जाते हैं, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स किस्म के यूनिट्स होते हैं ना, मतलब जिसमें बड़े बड़े फंक्शंस काम कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, केमिकल उसमें रंग बिरंगी किस्म के जो है केमिकल्स भी यूज हो रहे हैं, तरह तरह के जो है वहाँ पे प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन पहले आपके लिए बहुत जरूरी है, उसको पहले जज करें, देखें, उसको पढ़ें, देखें कि ये प्रोसेस है क्या, उसके बाद फिर आप उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं उसके हैजर्ड्स की। हैजर्ड एनालिसिस बेसिकली प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस क्या होता है कि जब आप हैजर्ड आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्रोसेस सेफ्टी के अंदर, चाहे वो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किसी मशीन में आपने हैजर्ड आइडेंटिफाई कर लिया, जिसको हैजर्ड रिकग्निशन कहते हैं या रिस्क असेसमेंट भी कहते हैं, तो उसके बाद उसके एनालिसिस करना भी जरूरी है। एनालिसिस क्या होता है कि आप देखते हैं कि जो हैजर्ड आपने आइडेंटिफाई किया है ये किस लेवल का हैजर्ड है, क्या ये रिस्क तो नहीं है, मतलब ऐसा रिस्क तो नहीं है कि जिसकी वजह से किसी की जान जा सके, जिसकी वजह से एक बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हो जाए, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि लेवल्स होते हैं उनके, लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल, तो ये लेवल जो है ना वो डिटरमिन कैसे करते हैं आप,
उसके लिए आप मैथमेटिकल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम रिस्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कहते हैं, लाइकलीहुड मल्टीप्लाई बाय उसके कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब अगर फर्ज करो कि अगर हम एक उसको बना देते हैं, एक कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं कि लाइकलीहुड 1, 2, 3, 4, 5 है, और इस तरह जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी 1, 2, 3, 4, 5 है, एक को हम हॉरिजेंटल एक्सिस पे डिनोट करते हैं, दूसरे को वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, तो हम देखते हैं कि लाइकलीहुड कितनी है। मिसाल के तौर पर लाइकलीहुड 3 है और कॉन्सिक्वेंसेस कितने हैं, मिसाल के तौर पे 4 है, तो 3 × 4 / 12, 12 विल बी द टोटल क्या कहते हैं कि आपका रिस्क मतलब डिटरमिन होगा वहां पे। अच्छा मुझे याद आ गया, मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और एक आपको बड़ा अच्छा ऑप्शन बताता हूँ रिस्क असेसमेंट का, ठीक है जी? इसको मैं स्टॉप करता हूँ, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, मुझे कहीं ये ना हो कि फिर वो जहन से निकल जाए, तो मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। ऑनलाइन टूल है, बड़ा ही इफेक्टिव टूल है आपकी रिस्क असेसमेंट के अंदर, और आपको फौरन कैलकुलेट करके बताता है आपका रिस्क लेवल, ठीक है जी? मैं आपको उसका यूज बता देता हूँ, तो आप ये जो मेरी सेफ सर्कल वाली वेबसाइट है इसके ऊपर ये पड़ा हुआ है टूल, ठीक है ना, मैं आपसे शेयर भी करता हूँ और आपको बताता भी हूँ कि ये इसको यूज़ कैसे करना है, और ये मैं लाजमी बताता हूँ ताकि आपको फायदा हो इसका, आप कर सके जब भी इसको यूज करना हो आपने। जी अभी ये एक नई स्क्रीन मैंने आपके सामने शेयर की है, ये डिस्प्ले हो रही है सब तक जी? मुझे कोई बता देगा कोई एक आध जी आपने? बिल्कुल डिस्प्ले हो रही है सर। ओके ओके बिल्कुल ओके ओके थैंक यू। ठीक है जी, ये मैं आपको बताता हूँ कि हम रिस्क कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये एक हैजर्ड एनालिसिस का भी टूल है, बड़ा अच्छा, ओशा का, इस पे मुझे मौका नहीं मिल सका। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन का ये एक गेमिफिकेशन टूल है, बहुत जबरदस्त। तो ये देखिए, ये रिस्क असेसमेंट टूल लिखा हुआ है ना, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप उस टूल पे चले जाएंगे। आजकल चूंकि मतलब है कि वो दौर है मॉडर्न, तो बहुत सारी चीजें टेक्निकल हो गई हैं। अब ये देखें, इसमें ब्लॉक्स बने हुए हैं हैजर्ड के, एक हैजर्ड का, एक लाइक्लीहुड का, एक सिवेरिटी का, ठीक है जी? आपने रिस्क का लेवल कैलकुलेट करना है। अब हैजर्ड है, मिसाल के तौर पे आप फायर का हैजर्ड है, मिसाल के तौर पे आप फायर के हैजर्ड का रिस्क कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है ना? उसका हैजर्ड का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसकी लाइकलीहुड यहाँ पे इन्होंने वो दिया हुआ है, स्केल दिया हुआ है लाइकलीहुड का, ठीक है ना? आप इसको ये देखे ना, लाइकलीहुड में दिए हुए हैं कुछ इन्होंने के रेयर है, ओकेजनल है, फ्रीक्वेंट है, मतलब उसकी लाइकलीहुड कितनी है आप जहाँ पे फायर को हैजर्ड को असेस कर रहे हैं, क्या फायर वहां पे पॉसिबल है, या अनयूजुअल कभी नहीं हुई, या नॉन है, या कभी कभार हो जाती है, या फ्रीक्वेंट है, लाइकली है, ठीक है ना? इसमें से आप कोई भी स्केल अपनी जो जिस एरिया की आप असेसमेंट कर रहे हैं उसके मुताबिक चूज करेंगे। मसलन के आप देखते हैं कि जी फायर पॉसिबल है, आप पॉसिबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना? सिवियरिटी इसकी क्या है? सिवियरिटी मिसाल के तौर पे कि जिस जगह पे ये आप हैजर्ड असेस कर रहे हैं या रिस्क असेस कर रहे हैं, वहां पे मतलब कुछ 2-3 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इसका मतलब लाइकलीहुड तो है, और साथ वहां पे कोई फ्लेमेबल लिक्विड पड़ा हुआ है, इसका मतलब है फायर पॉसिबल है, ठीक है ना? फायर पॉसिबिलिटी के लिए कोई लॉजिक होनी चाहिए ना, अगर एक वो क्या कहते हैं कि मतलब ओपन ग्राउंड है, उसमें ना कोई फ्यूल पड़ा हुआ है, ना कोई माचिस है, ना कोई इग्निशन है, कुछ भी नहीं है, तो वहां पे तो फायर नहीं होगी ना। फायर तो वहीं पे होगी जहां पे कोई फ्यूल होगा, कोई इग्निशन का चांस होगा, कोई करंट गुजर रही होगी, कोई इस तरह की कोई इग्निशन वगैरह, कोई हीट की वजह से वहां पे इग्निशन हो सकता है, तो वहां पे फायर पॉसिबल होती है। आपको पता है इंडस्ट्रीज के अंदर ये अक्सर सिचुएशन होती है कि कहीं भी आपने वो गार्बेज रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है पुराना इक्विपमेंट, उसको भी आग लग जाती है, बस का इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी आग लग जाती है। तो वो असेस आप ये देखते हैं, उसको आपको स्केल को आप यहाँ से मतलब आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो किस किस्म की नोयत है उस हैजर्ड की, हम यहाँ पे कहते हैं जी पॉसिबल है। अब हम सिविरिटी उसकी क्या देखते हैं,
कि जिस जगह पे फायर का हैजर्ड मौजूद है और उसकी पॉसिबिलिटी है, क्या उसके इर्द-गिर्द कोई लोग हैं जिनकी जान को खतरा हो उसकी वजह से, ठीक है ना? क्या ऐसा इम्कान है कि अगर वहां पे कोई इंसिडेंट होता है तो वो किस लेवल का, वो माइनर लेवल का इंसिडेंट हो सकता है, मॉडरेट लेवल का हो सकता है, या एक्सट्रीम लेवल का? मसलन आप कहते हैं कि जी सीरियस इंजरी हो सकती है उसकी वजह से, हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना? अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखें आपके सामने, अब देखें इसने बताया कि टोटल जो स्केल है रिस्क का वो 10 है, टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 10 है। 10 में से ये जो हमने सिचुएशन सिलेक्ट की है उसमें वो उसने हमें कैलकुलेट करके बताया कि ये वेरी हाई रिस्क है, क्योंकि इसके पॉइंट्स आ रहे हैं 6.11, ठीक है ना? 10 में से 6.11% चांस है कि यहाँ पे आग लगेगी तो नुकसान होगा, यानी ये एक रिस्क है। हैजर्ड बेसिकली वो होता है जिससे जिसके अंदर पोटेंशियल होती है नुकसान काज करने की, ठीक है ना? लेकिन और पोटेंशियल में और कॉज करने में फर्क होता है। जो रिस्क होता है वो बेसिकली नुकसान काज कर सकता है, करता है वो, ठीक है ना? तो रिस्क के अंदर दो चीजें होती है, लाइकलीहुड ऑफ द हैजर्ड, तो अकरिंग कॉज, और सिवियरिटी, यानी कि वो उससे नुकसान कितना। तो वो डिपेंडिंग अपॉन दिस सिचुएशन आप इस टूल का यूज करके अपनी जो है ना वो असेसमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे और कोई करना चाहते हैं, यहाँ पे आप हैजर्ड सिलेक्ट कर ले जी इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना? या चलें आप कर ले जी यहाँ पे अर्गोनॉमिक्स का, अब जिस जगह पे आप असेसमेंट कर रहे हैं वहां पे देखें कि अर्गोनॉमिक्स के जो लाइकलीहुड है, मतलब एमएसडीज की लाइकलीहुड क्या है, वहां पे इंजरीज होने का चांस क्या है, क्या वो रेयर है कि बहुत शाजो नजर वहां पे हो सकता है, क्योंकि लोग सही काम कर रहे हैं, पोस्चर ठीक है, फिटनेस उनकी बॉडी की ठीक है, वर्क स्टेशन उनके ठीक है, ओवर रीचिंग नहीं हो रही, तो मतलब रेयर ओकेजनल है कि क्या वो कभी कभार हो सकता है, या फ्रीक्वेंट है, या रेगुलर हो सकता है। मिसाल के तौर हम कहते हैं कि जी यूजुअल है, वो यूजुअली ये अर्गोनॉमिक्स का इशू हो सकता है जहाँ पे हम असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना? सिवियरिटी हम क्या देखते हैं कि हेल्थ डैमेज हो जाता है, ठीक है ना? इससे हेल्थ डैमेज हो जाता है, मतलब बहुत हाई सिवियरिटी नहीं है, ये सिवियरिटी की कैटेगरी हमने मॉडरेट रखी है, ठीक है ना? मॉडरेट में आगे तीन ऑप्शन है, उनमें से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखें आपको रिस्क फैक्टर बताएगा ये कितना है, इसके अंदर रिस्क है 6.22 का, यानी आउट 10, टोटल 10 मार्क्स हैं, 10 में से जो आपने कैलकुलेशन की है हैजर्ड की, अर्गोनॉमिक्स वाला जो हैजर्ड है उसकी अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो आपने वहां पे देखी है, तो उसमें लाइकलीहुड और सिवियरिटी को जब आपने कैलकुलेट किया है तो क्या आ गया, 6.22। दैट मीन्स कि ये हाई रिस्क है, वेरी हाई। वेरी हाई का क्या मतलब होता है, मैंने जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो एनालाइज करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, वो बेसिकली इन 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 रैंक्स को हम उस रिस्क को ये रैंक देते हैं कि वो किस रैंक का रिस्क है, और कंट्रोल में ये ट्रिप हम उसकी बेस के ऊपर बनाते हैं। अगर एक लो रिस्क हैजर्ड है, उसके अंदर लो रिस्क है, तो उसका जो कंट्रोल में ईयर होगा ना वो इतना ज्यादा मतलब है कि मैटर नहीं करता। लेकिन अगर मीडियम लेवल का रिस्क है या हाई लेवल का रिस्क है, इवन के मीडियम लेवल के रिस्क के बारे में कहा जाता है कि आप जो है ना वो बेशक काम जारी रखें लेकिन उसकी एक टाइमलाइन रखें, इसके अंदर आपने कंट्रोल में ईयर करना है। और अगर वो रिस्क हाई लेवल का है तो फिर क्या करें आप, फिर स्टॉप वर्क करें, वहां पे काम रोकें। अगर आपकी कैलकुलेशन ये कहती है कि यहाँ पे वेरी हाई रिस्क है तो आप उसको रोकें, और रोक के जो है वो आप पहले उसको करेक्ट करें, उसके कंट्रोल में यस करें, उसके बाद जो है वो फिर आप यहाँ पे मतलब है कि अपना काम स्टार्ट करें, ठीक है जी? क्लियर हो गई है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है, या कि एक एग्जांपल और हम इंपोर्ट कर लें आप, मतलब है कि आपको हाउ टू कैलकुलेट द रिस्क, ये जेन का जेन में कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपने खुद करनी है अपनी फील्ड के ऊपर, इसको स्टडी को जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, अगर आप खुद करना चाहें तो आप कर लेंगे ना इस लिंक के जरिए अपनी रिस्क कैलकुलेशन। हाँ जी, इस टूल से तो इंशाल्लाह सर हो जाएगा जबरदस्त, पॉसिबल। चले गुड, ये इस पे आप प्रैक्टिस करें, बहुत जबरदस्त चीज है, मतलब है आपको इसका मतलब है कि बहुत मतलब है फायदा होता है, बड़ा अच्छा टूल है ये। चले जी इसको स्टॉप शेयर करते हैं हम दोबारा। अरे सर,
सर चीज पूछना चाह रहा था, जी रिक्वेस्ट इसका कोई मैथमेटिकल फार्मूला शेयर कर देंगे, ये जो भी आपने टूल दिया इसका था बाल मैथमेटिकल पाठ। फार्मूला बिल्कुल मैं आपसे नोट्स के अंदर शेयर कर दूंगा। उसके अंदर वैसे इसका ये भी होता है, रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय सिवरिटी, लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय सिवरिटी। इसको एक हम 3 स्केल मैट्रिक्स भी कहते हैं, 5 स्केल मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैं उसकी आपको पूरी पूरी डिटेल शेयर कर दूंगा उसके अंदर, ठीक है ना। अगर आपको ठीक, मजीद थैंक कोई यू। इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत हुई तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा मजीद। पहले आप उसको देखिएगा, ठीक है ना, उसके बाद चलिए फिर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा इस टूल के ऊपर, और अगर ना क्लियर हुआ पॉइंट तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह फिर भी गाइड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि थैंक वो बहुत जरूरी है थैंक ये रिस्क कैलकुलेशन आपके लिए। दो चीजें मैंने आपको बताया था ना कि रिस्क असेसमेंट जिसमें ये रिस्क कैलकुलेशन आती है ये बहुत जरूरी होती है, और जो अमूमन मैट्रिक्स यूज होते हैं रिस्क कैलकुलेशन के लिए, ये 3 स्केल मैट्रिक्स भी होता है, 5 स्केल मैट्रिक्स भी होता है, 10 स्केल मैट्रिक्स भी होता है, इससे ज्यादा स्केल वाले मैट्रिक्स भी होते हैं, जिसमें हम मतलब क्या करते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन पे लेते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे हम उसको ले लेते हैं लाइकलीहुड को, वर्टिकल लाइन पे हम ले लेते हैं सिविलिटी को, ठीक है ना। अब हम उनको एक मैथमेटिकल फिगर के साथ डिनोट कर लेते हैं। मिसाल के तौर हम जो लोएस्ट लेवल है उसको 1 मार्क दे देते हैं, जो उससे थोड़ा अप लेवल है उसको 2 दे देते हैं, उससे थोड़ा अप लेवल है उसको 3 दे देते हैं, उससे थोड़ा अप लेवल है उसको 4 दे देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह हम लाइकलीहुड को भी 5 नंबर दे दिए। मिसाल के तौर 3 5 स्केल मैट्रिक्स की बात करें जो कॉमनली यूज होता है रिस्क असेसमेंट में, इसी तरह जो आपकी सिवरिटी होती है उसको भी हम 5 पॉइंट्स दे देते हैं, 1 2 3 4 5। फिर हम ये देखते हैं कि हमारा जो रिस्क है वो इन दोनों को कैलकुलेट करके फाइनली रिस्क का लेवल क्या आएगा, ठीक है ना। उसको कैलकुलेट करने का तरीका यही है कि लाइकलीहुड मल्टीप्लाई बाय सिवरिटी। अगर लाइकलीहुड आपने डिटरमिन किया 3 और उसकी सिवरिटी जो है वो आ रही है 5, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल रिस्क लेवल आपका 15 आ जाएगा। अब वो देखेंगे कि 15 जो है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, वो मीडियम में है, लो में है, या हाई में। उमन ये हाई में होता है, ठीक है ना। उससे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं ओवरऑल रिस्क के वो हाई कैटेगरी में है। और ये जो डिजिटल तरीका मैंने आपको बताया ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इसमें मैट्रिक्स बनाने की आपको जरूरत नहीं, जस्ट आप अपनी असेसमेंट करें और अपनी सिचुएशन देखें, उसकी वैल्यू इनपुट करें और वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपका रिस्क लेवल कितना है, ठीक है ना। तो इस तरह ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। और अगर आप इसकी मजीद मतलब इसको डिटेल से सीखना चाहते हैं तो जब भी आपको मौका मिले आप रिस्क असेसमेंट का कोर्स जरूर करें, कहीं से भी करें आप, लर्निंग करें आप, ठीक है ना। तो मैं आपको मतलब है कि ये मतलब आपकी गाइडेंस के लिए या आपकी सहूलत के लिए कह सकता हूँ कि मैं इंशाल्लाह आपने ये LMS के ऊपर इस तरह के जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं जो उनकी स्पेसिफिकली आपको जरूरत होती है, वो इंशाल्लाह मैं इनके ऊपर डिटेल से अभी अपलोड करूंगा। तो आप अगर इससे कनेक्टेड रहें तो आपको बहुत सारा नॉलेज इससे मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। क्योंकि आप थैंक यू। पार्ट बन गए हैं इस साइट का, आप साइन इन हो चुके हैं, तो अब आप जो भी कोर्सेज वगैरह आएंगे उसकी एक्सेस आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, और आप उसको अटेंड कर सकते हैं। और उसमें फायदा ये है कि आप मेरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, उसमें फोरम मौजूद है, आप फोरम को ओपन करें, आपके जेहन में जो भी क्वेश्चन आया उसी वक्त ही वहां पे टाइप कर दें और मैं उसको देखता हूँ और मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ इंशाल्लाह। मैं देर एंड देयर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा एज अर्ली एज पॉसिबल। यानी मेरा मकसद ये है अच्छा कि यार आपको जेहन में जब भी कोई पॉइंट आए ना, प्रॉब्लम आए, उसी वक्त आप उसको नोट कर दें, ठीक है ना। देख बंदा भूल जाता है ना जबानी के, यार सर सर से कल बात होगी तो ये पूछूंगा, बहुत सारे और काम आते हैं तो फिर वो आप ओवरलुक कर देते हैं। लेकिन जब आप एक एक प्रोसेस कर रहे हैं, एक लर्निंग कर रहे हैं, अचानक आपके जेहन में पॉइंट आ गया, फोरम पे जाएं, फोरम 1 2 3 4 सेकंड लगेंगे, आप उसका पॉइंट वहां पे नोट कर दें, लिख दें कि व्हाट इज अबाउट दिस कैलकुलेशन एंड सिवियरिटी, ठीक है, इतना भी लिख दें कि फिर वो जाहिर है मैं उसको रिव्यू करता हूँ, टाइम टू टाइम देखता रहता हूँ, फिर मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा। आपको जरूरत हुई तो मैं आपके साथ 1 टू 1 मीटिंग करके आपको इसको मजीद भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। मैं आम ट्रेनर्स की तरह नहीं हूँ बिल्कुल, मेरा मकसद नॉलेज देना है, ठीक है ना। मेरा मकसद कोई मतलब है कि जस्ट आपको एक सर्टिफिकेट का पेपर नहीं प्रोवाइड करना, आपको मुतमईन करना है, आपके अंदर से फीलिंग आए कि यार हमने कुछ सीखा है,
दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माई टीचिंग स्टाइल एंड लर्निंग, ठीक है ना। मतलब आप कॉन्फिडेंट हो कि जिस राइट दिन आप पहले आए थे उस दिन से और अब आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। अब ये नॉलेज अगर आप अप्लाई करेंगे ना, प्रैक्टिसेस करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके अंदर और निखार आएगा, आपकी स्किल इनहेंस होगी, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है जी। तो इस तरह हम ये प्रोसेस करते हैं जी। इंस्टेंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमने, ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स, अच्छा ये हम इसी का पार्ट था, ठीक, एक सेकंड। प्रोसेस सेफ्टी हैजर्ड एनालिसिस हमने कर लिया, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं इसके बारे में भी मैंने, ये उसी की एलिमेंट्स हैं बेसिकली प्रोसेस सेफ्टी के। ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है क्या होते हैं, कि मतलब किसी भी फंक्शन को, प्रोसेस को जो रिटर्न में डिफाइन किया जाता है उसको ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी चलानी है, ठीक है ना। अब गाड़ी एक मशीन है ना, गाड़ी एक मशीन है और उसका एक ड्राइव का पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। मतलब प्रोसेस क्या है जी, सबसे पहले आप गाड़ी में बैठेंगे, उसका इग्निशन जो है वो स्विच ऑन करेंगे, वो स्टार्ट होगी, फिर आप उसको रेस देंगे, उसका गियर लगाएंगे, फिर उसको आप मूव करेंगे, फिर आप अगर जरूरत पड़ती है तो ब्रेक लगाएंगे। ये सारे स्टेप्स जो होते हैं ना, इनको हम ये पूरे स्टेप्स को जब आप मिला लेते हैं, यानी ड्राइविंग को हम बेसिकली एक प्रोसेस कहते हैं, और उसके जो नीचे सारे पॉइंट्स होते हैं वो इंटीग्रेटेड स्टेप्स होते हैं। जिस तरह हम जॉब सेफ्टी एनालिसिस करते हैं और एक जॉब को हम डिफरेंट टास्क में तकसीम कर लेते हैं, इसी तरह प्रोसेस भी जो है वो मुख्तलिफ स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिससे जिसको हम फिर असेस करके देखते हैं कि इसके अंदर रिस्क कौन से हैं। सो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन भी इसका पार्ट है, इसके ऊपर हम डिटेल से बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोसेस सेफ्टी का एक एलिमेंट है, जैसे नॉर्मल हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर होता है, इसी तरह इसमें भी डॉक्यूमेंटेशन का और ट्रेनिंग का प्रोसेस प्रोसेस सेफ्टी के अंदर परफॉर्म हो रहा है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड जेंटलमैन। क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं, अभी 3-4 मिनट हैं अंटिल ये सेशन चल रहा है, आप शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह 6-7 मिनट की ब्रेक के बाद हो सकता है 1-2 मिनट थोड़ा ऊपर हो जाए, अगर थोड़ा लेट भी हुआ तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, बट ये है कि थर्ड सेशन में हम ब्रीफिंग लेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे, और कोई आपके जहन में कोई पॉइंट है शेयर करने वाला वो आप शेयर कर दीजिएगा, और फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह अपनी ट्रेनिंग को, ठीक है। जो टाइम था या जो जिस तरह की सिचुएशन थी उसके अंदर मेरी कोशिश पूरी रही है कि मैं आपको बेस्ट पॉसिबल तरीके से चीज़ें अंडरस्टैंड करवाऊँ। मेरा मकसद आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करवाना है, ठीक है ना। और जहां तक जितना पॉसिबल हो सकता है आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करवाना उससे, ठीक है ना। ये टेस्टिंग जो हम कर रहे हैं ये बेसिकली आपके नॉलेज की एप्लीकेशन है, ये यू आर अप्लाइंग द नॉलेज व्हाट यू हैव अचीव्ड। अगर आपने नॉलेज अचीव ना किया होता तो आप डिस्कशन में टॉपिक डिस्कस ना कर पाते, अगर आपने नॉलेज अचीव ना किया होता तो आप क्विज का आंसर सही ना कर पाते, अगर आपने नॉलेज अचीव सही नहीं किया तो आप जो प्रैक्टिकल असेसमेंट है, असाइनमेंट है, उसको सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपने नॉलेज अचीव नहीं किया प्रॉपर तो आप एग्जाम में भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो नॉलेज एप्लीकेशन आपके इन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से आपकी चेक हो रही है, क्योंकि ये ट्रेनिंग का एक स्ट्रक्चर होता है। देखिए हम ट्रेनिंग में किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में तो बैठे नहीं है कि मैं आपको कहूँ यार ये जो है वो प्रोसेस है आपके सामने, इसके अंदर रिस्क असेसमेंट, ये जॉब सेफ्टी एनालिसिस मुझे करके बताओ, चूंकि हमने वर्चुअली चीजों को देखना होता है। ट्रेनिंग का पर्पज ही बेसिकली ये होता है कि आपको मतलब है कि कुछ चीजों तक एक्सेस होती है, कुछ तक नहीं होती, बट ये है कि आप ट्राई करते हैं मैक्सिमम के लोग उससे कुछ लर्न कर लें, ठीक है ना। तो आप नॉलेज से टच रहे, ठीक है, और चीजों को डिस्कस करें अपने कुलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, अपने मेंटोर के साथ, ठीक है। और मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ, कोई मसला नहीं है। जब भी आपको LMS की मैंने फ्री एक्सेस दे दिया यार, सबसे बेस्ट ये आपको मैंने समझे प्राइस दिया, ठीक है ना, ये आपके लिए एक प्राइस है कि मतलब आप उस LMS को एक्सेस कर लेते हैं और उसमें अंदर अपना कोर्स मटेरियल आप सेव पड़ा हुआ है ऑर्गेनाइज मैनर में। देखिए अभी मैं आपको व्हाट्सएप में चीजें भेज देता, आप ओवरलुक कर देते, भूल जाते, कभी फिर ढूंढना पड़ता तो आप परेशान हो जाते यार कौन सा